नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों, संघर्ष करना सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने 7-8 घंटे पढ़ाई की और आपने सिलेक्शन ले लिया और आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए। सबसे बड़ा संघर्ष है आपकी जॉब लगने के बाद में, और जब आपका संघर्ष स्टार्ट होता है वो सबसे बड़ा संघर्ष आपको देखने को मिलता है। ऐसी ही खबर दोस्तों बनारस से BHU नर्सिंग ऑफिसर के साथ जो अभी घटना हुई है उसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। BHU में महीने भर के अंदर 2 नर्सिंग ऑफिसर की मौत हो गई, संदिग्ध हालत में इस बार मौत हुई है। दोस्तों, साथियों का बहुत ज़्यादा दर्द इसके अंदर छलका है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज BHU कांड की, जिसके अंदर 15 दिन में 3 की जगह लगातार 7 नाइट ड्यूटी, जो 3 नाइट ड्यूटी लगनी थी उसकी जगह 7 नाइट ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई, और संसाधनों की बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमी है और ड्यूटी चार्ट में भी बेईमानी। तो कहीं ना कहीं BHU ने इस बार वैकेंसी निकाल दी थी नर्सिंग ऑफिसर की, और अलग अलग टाइप से उन्होंने वार्ड बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, मल्टी स्पेशलिटी, लेकिन जितने वहाँ पे मरीजों की संख्या है उसके हिसाब से वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ उन लोगों ने रिक्वायर्ड नहीं किए। तो उसकी वजह से एक ही स्टाफ नर्स के पीछे पड़ के और वो लोग एक्स्ट्रा ड्यूटीज करवाते हैं और किसी प्रकार का उसे अलग से अलाउंसेस नहीं मिलता है और उसे रेस्ट भी नहीं मिलता है। रेस्ट ना मिलने की वजह से वो ओवरलोड हो जाते हैं और ज़्यादा काम करने की वजह से वो कहीं ना कहीं मेंटली हरेस्ट हो जाते हैं और अलग तरीके से, मानसिक तरीके से और फिजिकली तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से उन लोगों की कोई ना कोई कमी आने की वजह से डेथ हो जाती है। और भी बहुत सारे रूल उन लोगों ने वहाँ पे नियम निकाल रखे हैं, जैसे कि डॉक्टर ले जाते हैं स्मार्टफोन, हम नहीं कर सकते उपयोग। जब डॉक्टर स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं तो नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे BHU के अंदर फ़ोन यूज़ क्यों नहीं कर सकता? क्या नर्सिंग स्टाफ के लिए ही सारे नियम कानून बने हुए हैं? बहुत बड़ा सवाल है। वाराणसी से जो न्यूज़ है उसके अंदर यह है कि BHU अस्पताल में महीने भर के भीतर 2 नर्सिंग ऑफिसर की मौत हो चुकी है। रविवार को खेम सिंह सैनी की मौत की CBI जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे साथी नर्सिंग अफसरों का कहना था कि पूरी सज्जता से सेवा देने के बाद भी इस प्रकार का जो नया नया हरेसमेंट होता है वो किया जाता है अस्पताल प्रशासन की तरफ से, जिससे काफ़ी जो हमारे साथी हैं नर्सिंग ऑफिसर्स उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। तो इसके अंदर प्रोफेसर MN संखवार है जो कि निदेशक हैं BHU के, उनका कहना है कि नर्सिंग अफसर की जो मौत है वो बहुत दुखद है और मामले में बातचीत कर उनकी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना गया और पूरे मामले में कुलपति के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को भी अवगत कराया गया है। तो दोस्तों, ये जब आपको आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपको एक अतिरिक्त स्टाफ लेना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज अभी नहीं आ रही है और BHU ने बहुत कम वैकेंसी निकाली थी। तो कहीं ना कहीं इतने बेरोजगार युवाओं को आप लोगों को रोजगार देना चाहिए, क्योंकि सरकार एक तरफ रोजगार बेरोजगार की बात करती है और कहीं ना कहीं जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर उनके ऊपर आप एक्स्ट्रा दबाव डाल के उनसे अतिरिक्त काम करवाते हैं और बेरोजगार छात्र जो है वो तैयारी करते रह जाते हैं और आप लोग एक नई वैकेंसी निकाल के कहीं ना कहीं इनकी जितनी भी ये लोग हरेस्ट होते हैं उनका हरेसमेंट कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को संदिग्ध भी माना गया है कि उसकी जो मौत हुई है, क्योंकि वो अकेला था और इतने बड़े वार्ड को संभाल रहा था और इतने मरीज थे वहाँ पे, लेकिन वो अकेला था वहाँ पे एज ए स्टाफ, और उसकी जो मौत हुई है 4-5 घंटे तक पता भी नहीं लगा। तो हो सकता है कि अगर वहाँ पे उसके साथ कोई स्टाफ होता तो उसका फर्स्ट एड कर देता और कहीं ना कहीं उससे वहीं पे एडमिट करवा देता, जिससे उसे कहीं ना कहीं सही समय पे इलाज मिल जाता और उसकी जान बच जाती। तो इसे संदिग्ध मांगा जा रहा है और CBI जांच की मांग की है सभी नर्सिंग ऑफिसरों ने कि इसकी CBI जांच करवाई जाए, और जो भी नियम इन लोगों ने लगाए हैं कि फ़ोन अलाउ नहीं है, घर पे बात नहीं कर सकते हैं, और भी तमाम जो नियम नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो लगाए गए हैं, या तो नियम को चेंज किया जाए और या फिर वो नियम डॉक्टर्स के लिए भी लागू किया जाए, क्योंकि इसके अंदर भेदभाव की कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आती है, वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है और वो भी वहाँ काम कर रहे हैं, उनके भी घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।